हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन जिसका हमने आधा कर लिया है, आज हम उसके प्रैक्टिस एक्सरसाइज 4.3 देखेंगे। कैरी करने के बारे में भी हमने देख लिया है, किस नंबर को कैसे कैरी करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, लेटिस मेथड में कैसे करना है और कॉलम बना के कैसे करना है, ये भी हम देख चुके हैं। लेट्स स्टार्ट। 4 की टेबल 6 टाइम बोलने पर आता है 24। 4 3s are 12, 12 plus 2 14, 1 कैरी करेंगे, 4 लिखेंगे, 6 4s are 24 plus 1 25, आंसर क्या है हमारा 2544। इसी तरह से क्या करेंगे हम, जैसे हमने ऊपर किया था कैरी करके, वैसे ही इसको सॉल्व करना है। इसकी एक्सरसाइज आप 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8th यहां तक क्या करेंगे, आप होमवर्क करेंगे। ये आपके आज का होमवर्क है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट ऑर्डर प्रॉपर्टीज। मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स इन ईदर ऑर्डर द प्रोडक्ट रिमेन द सेम। क्या मतलब है इसका, किसी भी नंबर टू नंबर्स को अलग अलग, किसी भी अलग अलग इधर इस वे में या इधर इस वे में, किसी भी वे में क्या करेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 multiplied by 6 करेंगे तो भी 42 आएगा, अगर 6 multiplied 7 करेंगे तो भी क्या आएगा, 42 ही आएगा। सेकंड क्या है, ग्रुपिंग प्रॉपर्टीज। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स रिमेन द सेम इवन व्हेन द ग्रुपिंग ऑफ नंबर इज चेंज्ड। किसी थ्री नंबर्स को 3, 5, 4, ये क्या है, थ्री नंबर्स है, अगर इसकी ग्रुपिंग की जाए और अगर यहां पर इसकी ग्रुपिंग की जाए तो रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा, सॉरी मल्टीप्लाइड करना है, मैंने एडिशन का सिंबल लगा दिया। 2 multiplied by 5, 5 की टेबल 2 टाइम बोलेंगे 10, 10 multiplied by 4, 40, 4 multiplied by 4, 10 multiplied by 2, 40, सम क्या रहा, 40, 40, सेम आंसर रहा। थर्ड क्या बोल रहा है, ये मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ वन, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड वन इज द नंबर इटसेल्फ। अगर किसी नंबर में वन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे तो नंबर क्या रहेगा, वही नंबर क्या रहेगा, आंसर रहेगा, जो डिफरेंस आएगा या जो सम आएगा वो क्या रहेगा, वही नंबर रहेगा। मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, किसी भी नंबर को जीरो से अगर मल्टीप्लाइड करेंगे तो आंसर आएगा जीरो। मल्टीप्लाइंग बाई 10, 100 और 1000, टू मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर बाई 10, 100 और 1000, राइट 1, 2 और 3 जीरो रिस्पेक्टिवली टू द राइट ऑफ द गिवन नंबर। रिमेंबर 10, 100 एंड 1000 हैज 1, 2 एंड 3 जीरोस रिस्पेक्टिवली टू देयर राइट। 27 multiplied by 7, तो क्या आएगा, जीरो कहां लग जाएगा, यहां आ जाएगा 27 जीरो। ट्वेंटी सेवन मल्टीप्लाइड बाय 1000 तो क्या आएगा 27, और क्या आएगा 20 आ जाएगा। 1000 अगर कर रहे हैं हम तो 27 और 30 आ जाएगा। मल्टीप्लाइंग बाय 20, 30, 60, 40, 90, 200, 300 एग्जाम्पल। मल्टीप्लाइंग 40 बाय 300, 300 से कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे हम 40 को 3 से कम, 40 की टेबल 3 टाइम बोलेंगे तो क्या आएगा 42, 28,
14 ones are 14, 14 twos are 28, 14 threes are 42. अब जीरो कितने हैं? टू जीरो है, तो यहां लगा लेंगे, क्या आएगा आंसर? 4200. क्या करना है? प्रैक्टिस एक्सरसाइज इसी तरह से, फिल इन द ब्लैंक्स. किसी भी पोजीशन पे अगर हम मल्टीप्लाइड करते हैं तो क्या रहता है? सेम रहता है आंसर. तो यहाँ 23 मल्टीप्लाइड बाय 37 है, तो आएगा 37 मल्टीप्लाइड बाय 23, 168 आ जाएगा. यहाँ पर क्या आएगा? 1772 है, मिसिंग कौन है? 53. यहाँ 53 आ जाएगा. यहाँ पर आएगा 48 मल्टीप्लाई नाइन. किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा आंसर. यहाँ आ जाएगा 0. यहाँ आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा? 0. 100 से कर रहे हैं तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 50. कैसे करेंगे? 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, क्या आएगा? 15 की टेबल 5 टाइम बोलने पर क्या आता है? 75 और एक 0 लगा लेंगे. टू हंड्रेड को 9 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 0, 0, 9 टू जार 18. 1400 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाइड. किसी नंबर को 0 से करते तो क्या आता है? 0 आता है. 2 फोर जार 8, 2 वन जार 2, 2800. 50 को 50 से करेंगे, 250. इसी तरह से क्या करना है आपको? सॉल्व करना है. मल्टीप्लाइंग अ टू डिजिट नंबर बाय अ टू डिजिट नंबर. किसी टू नंबर्स की डिजिट को क्या करना है? टू नंबर से कम करना है. 53 बाय 46. क्या देखा था हमने? फर्स्ट अगर एक नंबर्स को करते हैं तो वन नंबर पहले 1 से होगा, फिर क्या होगा? 10 से होगा. अब इसमें क्या होगा? पहले 6 को करेंगे, 6 3 18, 1 कैरी करेंगे, 30 30 प्लस 1 31. अब ये जो सिंबल है वो कहां लग जाएगा? यहां पर वंस के नीचे क्या लगेगा? क्रॉस का सिंबल लगेगा. जो मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल है वो इनटू का जो सिंबल है वो कहां लगेगा? 8 के नीचे, यानी कि वंस की पोजीशन पे क्या आएगा? वंस के बिलो में ये आएगा. देन हम क्या करेंगे? 4 को हम पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 3 12. अब 1 जो है वो यहां कैरी करेंगे 3 में, 3 में कैरी, 5 में कैरी करेंगे. 4 3 4 3 12, 4 5 20 प्लस 1 21, प्लस कर देंगे 8 का 8, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 2 का 2. आंसर क्या है हमारा? 2 4 3 8. 4 को पहले 7 से करेंगे, देन 4 को 4 से करेंगे.
2 को 7 से करेंगे, 1s की पोजीशन पे क्या आएगा, क्रॉस आएगा, 2 को 7 से करेंगे 14, 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9, 8, 8 प्लस 4 12, 1 यहां आएगा 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11, क्या आया आंसर हमारा 1128। नेक्स्ट है 59 मल्टीप्लाइड विथ 34, 4 को पहले 9 से करेंगे देन 5 से करेंगे 36, 3 को कैरी करेंगे 4 5 आर 20, 20 प्लस 3 23, 3 को 9 से करेंगे 27, 2 को कैरी करेंगे 3 5 आर 15, 15 प्लस 2 17, 6 7 8 9 10 0, 1 कैरी करेंगे 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10 1 2 2 0 0 6। क्या करना है आपको, इसी तरह से सॉल्व करना है। ये एक्सरसाइज जो है 8 तक आपको करनी है, 8 तक आपको करनी है, ये आपका है होमवर्क है। मल्टीप्लाइंग अ थ्री डिजिट नंबर बाय अ टू डिजिट नंबर, 176 है उसको किससे मल्टीप्लाइड करना है, 36 से, 36 से। हमने क्या देखा है, पहले हम 1 से करेंगे 10 से करेंगे और फिर 100 से करेंगे। अब 3 को 6 से करेंगे, अब क्या करेंगे 3 को 7 से करेंगे और 3 को 1 से करेंगे, 6 8 प्लस 5 9 10 11 12 13, 13 का 3 1 का कैरी करेंगे 2 प्लस 1 3 5 प्लस 1 6, आंसर क्या आया 6336। अब 136 को क्या करना है, 136 को 24 से कैरी करना है। कैसे करेंगे, पहले 4 को 6 से मल्टीप्लाइड करेंगे, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे, फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे। 4 की टेबल 6 से बोलने पर क्या आता है, 4 को मल्टीप्लाइड 6 24, 4 हम लिखेंगे, 2 को हम क्या करेंगे यहाँ पर कैरी करेंगे, ये 2 हमने कैरी कर लिया, 4 को 3 से किया कितना आया 12, 12 प्लस 2 कितना आया 14, 12 प्लस 2 कितना होता है 12 प्लस 2 करेंगे कितना आया 14, 14 का 4 लिखेंगे 1 कैरी करेंगे, 4 प्लस 4 को 1 से किया 4 आया, 4 प्लस 1 5, क्रॉस का निशान आएगा, क्रॉस का जो सिंबल है वो आएगा वंस के नीचे, देन हम करेंगे 2 को 6 से मल्टीप्लाई, 2 को 3 से मल्टीप्लाइड और 2 को 1 से, 2 6 आर 12, 6 12 का 2 लिखेंगे, 1 को हम यहाँ कैरी करेंगे, 2 3 आर 6, 6 प्लस 1 7, 2 1 आर 2, 4 4 प्लस 2 6, 7 प्लस 5 3264 हमारा क्या है आंसर है। इसी तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है इसकी 5 एक्सरसाइज, कोई भी 5 क्या करेंगे आप सॉल्व करेंगे, एनी 5 सॉल्व करनी है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम
नेक्स्ट क्लास में वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तब तक आप अपना होमवर्क अच्छे से करें और टेबल्स को अच्छे से क्या करें, लर्न करें। थैंक यू।